इस देश के क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के उन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मस्थली पर भावरा के अंदर आज उनकी कुटिया में आने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के अंदर आज़ादी के 75वें वर्ष और अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि इस देश को आज़ादी मिली तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का जो बलिदान, उनकी भूमिका है, उसी का परिणाम है कि भारत के आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे सभी क्रांतिकारियों को याद करते हुए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है कि आज के दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया में भावरा के अंदर उनसे आज आशीर्वाद लेकर के हम गौरवान्वित में अभियुत भी हैं। जिस प्रकार से आज यहाँ आने का जो अवसर मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करते हुए भारत के इस अमृत महोत्सव को और हम सब मिलकर के ताकत देने का काम करेंगे। और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो इस देश के लिए भूमिका निभाई है, हम सब लोग उनके इन्हीं कदमों पर चल करके भारत के लिए कुछ करने का प्रयास करें, इस संकल्प के साथ आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रणाम करता हूँ। हूँ जिस प्रकार से जन सैलाब, हर समाज वर्ग के लोग, हमारे वनवासी जनजाति क्षेत्र के लोग जिस प्रकार से वेशभूषा में उत्साह के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है, उन सब के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो आशीर्वाद है वो आज इस जन सैलाब के साथ दिखता है कि किस प्रकार से आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। मैं इस बात से जनता के समर्थन से, अपार समर्थन से अभिभूत हूँ।